हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा शॉर्टकट की, कंप्यूटर में शॉर्टकट की बताऊंगा। पेपर में हर बार शॉर्टकट की का प्रश्न आ रहा है और कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन केवल और केवल शॉर्टकट की के आते हैं। तो आज मैं आपको शॉर्टकट की बताऊँगा। तो जो मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ वो आपको याद रखना है और वही शॉर्टकट की आपके इस बार पेपर में भी आएगी। तो कॉपी करने की शॉर्टकट की है Ctrl+C, कट करने की Ctrl+X, पेस्ट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V, कॉपी फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+C, पेस्ट फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+V, पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+V और अंडू की शॉर्टकट की है Ctrl+Z। तो आप मेरे साथ बने रहें, आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को मेरे साथ जोड़ें ताकि उन्हें भी कंप्यूटर के बारे में शॉर्टकट की मालूम हो। कंप्यूटर चलाने के लिए आपको पता है शॉर्टकट की कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो आप जल्द से जल्द अपने दोस्तों को जोड़ें। आगे रीडू करने की शॉर्टकट की है Ctrl+Y, प्रिंट करने की शॉर्टकट की है Ctrl+P, खोजने की शॉर्टकट की है Ctrl+F, सेव करने की शॉर्टकट की है Ctrl+S। आगे फाइल क्रिएट करने हेतु जो शॉर्टकट की काम आती है उनके बारे में बात करते हैं। तो किसी डॉक्यूमेंट को खोलना है तो Ctrl+O, नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो Ctrl+N, डॉक्यूमेंट बंद करना है तो Ctrl+W, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर आना है तो Alt+F4, किसी दूसरी खुली डॉक्यूमेंट के लिए स्विच करना Ctrl+F6। आगे टेक्स्ट के साथ कार्य करने हेतु आम कुंजियों का मिशन जो शॉर्टकट की काम आती है टेक्स्ट के साथ कार्य करने के लिए उनकी बात करते हैं। तो फॉन्ट बदलने के लिए फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को खोलना, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+F, लेटर के केस बदलना तो Shift+F3, बोल्ड फॉर्मेटिंग अप्लाई करना तो Ctrl+B, अंडरलाइन अप्लाई करना तो Ctrl+U, इटैलिक फॉर्मेटिंग अप्लाई करना तो Ctrl+I, मैनुअल करेक्टर फॉर्मेटिंग को हटाना Ctrl+Space बार। अब बात करते हैं फाइल्स तथा स्लाइड्स ड्रम क्रिएट करने के लिए जो शॉर्टकट की काम आती है उनके बात करते हैं। तो नई स्लाइड हेतु Ctrl+M, एक स्लाइड का डुप्लीकेट बनाने हेतु Ctrl+D, टेक्स्ट के साथ कार्य करने के लिए, टेक्स्ट के साथ यदि आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन सी शॉर्टकट की काम आती है उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो एक वर्ड शब्द के अंत तक चयन करना तो Ctrl+Shift+Right एरो आपको दबाना है। एक शब्द के शुरुआत तक चयन करना का मतलब Ctrl+Shift+Left एरो आपको दबाना है। कर्सर की स्थिति से एक ऊपर की लाइन का चयन तो Shift+Up एरो आपको दबाना है। आगे कर्सर की स्थिति से एक नीचे की लाइन का चयन तो Shift+Down एरो आपको दबाना है। आगे फॉन्ट को बदलने तो फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे, Ctrl+Shift+F का यूज आप करोगे। आगे फॉन्ट साइज को बढ़ाने तो Ctrl+Shift+Greater than का उपयोग करेंगे। आगे फॉन्ट साइज को घटाने हेतु Ctrl+Shift+Less than का यूज आप करोगे। लेटर का केस चेंज करने के लिए Shift+F तरीका यूज करोगे। मैनुअल फॉर्मेटिंग हटाने के लिए Ctrl+Space बार का उपयोग करोगे। बायां अलाइन के लिए क्या करोगे आप, Ctrl+N। दायां अलाइन के लिए आपको करना है Ctrl+R। जस्टिफाई अलाइन करने के लिए आपको क्या करना है, Ctrl+J दबाना है। आगे अब बात करते हैं एक स्लाइड शो को शुरू व बंद करने के लिए जो शॉर्टकट की आपके काम आते हैं उनकी बात करते हैं। एक प्रेजेंटेशन को शुरुआत से चालू करना तो F5, अगले स्लाइड पर जाने या अगले एनिमेशन को शुरू करने के लिए एंटर, पेज डाउन, राइट एरो, डाउन एरो और स्पेस बार आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। आगे पिछले स्लाइड पर लौटना या पिछला एनिमेशन प्ले करने के लिए पी पेज अप लेफ्ट एरो दबा सकते हो, अप एरो या बैक स्पेस भी दबा सकते हो। एक विशेष स्लाइड नंबर पर जाने तो Number+Enter दबाना आपको। एक काली ब्लैंक स्लाइड प्रदर्शित करने तो काली ब्लॉक स्लाइड से प्रेजेंटेशन पर वापस लौटने तो बी
और पीरियड आप दबा सकते हो, यह आपकी शॉर्टकट की रहेगी। आगे एक सफ़ेद ब्लॉक स्लाइड प्रदर्शित करने हेतु सफ़ेद ब्लॉक स्लाइड से प्रेजेंटेशन पर लौटने हेतु W और कोमा दबाना। आपको एक ऑटोमेटिक प्रेजेंटेशन को रोकने या रीस्टार्ट करने के लिए आपको क्या दबाना है, केवल S दबाना है। एक प्रेजेंटेशन को समाप्त करने के लिए ESC और आपको HYPHEN दबाना है। अब आगे बात करते हैं आपके जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2010 के लिए जो शॉर्टकट की काम आती है उनकी, तो एक नई वर्कबुक होने के लिए Ctrl+N, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से बाहर आने के लिए Alt+F4 आपको दबाना है। वर्कशीट में चारों ओर मूव करने के लिए, वर्कशीट में चारों ओर किस प्रकार मूव होता है उसकी अब शॉर्टकट की हम जानते हैं। तो एक सेल में मूव करना तो एरो की दबाना आपको, रेंज के एड के लिए मूव करना यानी रेंज के जो किनारा है उसके लिए मूव करने के लिए Alt+Arrow दबाना आपको। आगे वर्कशीट पर अंतिम सेल जिसमें डाटा हो वहां मूव करना तो Ctrl+End दबाना है। वर्कशीट के आरंभ के लिए मूव करना तो इसकी शॉर्टकट किया Ctrl+Home। डायलॉग बॉक्स के लिए जाना Ctrl+G। एक स्क्रीन नीचे मूव करना तो पेज डाउन, एक स्क्रीन ऊपर मूव करना तो पेज अप। आगे एक स्क्रीन बाएं मूव करना तो Alt+Page Down, एक स्क्रीन दाएं मूव करना Alt+Page Up। अगली वर्कशीट के लिए मूव करना तो Ctrl+Page+Down, पिछली वर्कशीट के लिए मूव करना Ctrl+Page Up। आगे बात करते हैं एंड तथा इंसर्ट करने के लिए आपकी जो शॉर्टकट की काम आती है उनकी बात करते हैं। तो सेल्स या रो या कॉलम में इंसर्ट करना तो Ctrl+Shift++ दबाना आपको। आगे सेल रो या कॉलम को डिलीट करना तो Ctrl+ आपको मिनिमाइज करना है। आगे रोज को छिपाना तो Ctrl+O, कॉलम्स को छुपाना तो Ctrl+0। आगे नई वर्कशीट इंसर्ट करना तो Shift+F11 आपको दबाना है। आगे सामान्य कीबोर्ड शॉर्टकट जो आपकी नॉर्मल कीबोर्ड में शॉर्टकट की होती है उनकी बात करते हैं। तो F2 क्या काम आता है, चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए। F3 काम आता है फाइल एक्सप्लोरर्स में फाइल या फोल्डर खोजने के लिए। F5 काम आता है फाइल एक्सप्लोरर में एड्रेस बार लिस्ट डिस्प्ले करने में। F5 एक्टिव विंडो का रिफ्रेश करना। F6 डेस्कटॉप या विंडो में स्क्रीन एलिमेंट्स। F10 काम आता है एक्टिव एप्लीकेशन में मेन्यू बार एक्टिवेट करना। Alt+F4 एक्टिव आइटम में बंद करना या एक्टिव एप्लीकेशन से बाहर आना। Alt+Escape का यूज आप करते हो जिस ऑर्डर में आइटम खुले हुए थे उस ऑर्डर में साइकिल करना। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका साथ साथ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। Alt+Underline Letter का यूज करते हो आप किसी लेटर के लिए कमांड परफॉर्म करना। Alt+Enter का यूज करते हो चयनित आइटम के गुण को प्रदर्शित करना। Alt+Space Bar एक्टिव विंडो के लिए शॉर्टकट मेन्यू पर खोलना। Alt+Left Arrow पीछे जाना। Alt+Right Arrow आगे जाना। Alt+Page Up तो एक स्क्रीन आगे जाना। Alt+Page Down एक स्क्रीन पीछे जाना। Alt+Tab खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। Ctrl+F4 का यूज करते हो एक्टिव डॉक्यूमेंट को बंद करना। Alt+A एक विंडो या डॉक्यूमेंट में सभी आइटम्स का चयन करना। Ctrl+C तो चयनित आइटम को कॉपी करना। Ctrl+D चयनित आइटम को डिलीट करना और रिसाइकल बिन में भेजना। Ctrl+R तो एक्टिव विंडो को रिफ्रेश करना। Ctrl+V तो चयनित आइटम को पेस्ट करने के लिए आप Ctrl+V का प्रयोग करते हो। Ctrl+X चयनित आइटम को कट करना। Ctrl+Y एक क्रिया को रीड करना। Ctrl+Z एक क्रिया को अंडू करना। Ctrl+Right Arrow कर्सर को अगले वर्ड के प्रारंभ में मूव कराना। Ctrl+Left Arrow कर्सर को पिछले वर्ड के प्रारंभ में मूव कराना। Ctrl+Arrow Ctrl+Down Arrow तो कर्सर को अगले पैराग्राफ के प्रारंभ में मूव करना। Ctrl+Up Arrow कर्सर को पिछले प्रोग्राम के प्रारंभ में मूव कराना। Ctrl+Alt+Tab सभी खुली हुई एप्लीकेशन के बीच एरो की का उपयोग करना। Ctrl+Alt+Shift+Arrow कीज तो स्टार्ट मेनू में
ग्रुप या टाइल टाइल फोकस में हो तो निश्चित दिशा में मूव करना। कंट्रोल प्लस एरो की तो विंडो या डेस्कटॉप पर एक से अधिक इंडिविजुअल आइटम को चयन करना। आगे बात करते हैं शॉर्टकट की तो अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस विथ कोई भी एरो तो टेक्स्ट के एक ब्लॉक का चयन करना। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट को खोलना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप टास्क मैनेजर को खोलना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट एक से अधिक कीबोर्ड से आउट उपलब्ध हो तो कीबोर्ड लेआउट के बीच स्विच करना। आगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार तो इनपुट मेथड एडिटर को ऑन या ऑफ करने के लिए। आगे शिफ्ट प्लस एफ 10 का उपयोग चयनित आइटम के लिए शॉर्टकट मेन्यू डिस्प्ले करना। शिफ्ट विद एनी एरो की तो डेस्कटॉप पर विंडो में से एक से अधिक आइटम का चयन करना या एक डॉक्यूमेंट के अंदर की करना। आगे शिफ्ट प्लस डिलीट का उपयोग रिसाइकल में भेजे बिना चयनित आइटम को डिलीट करना। एस्केप करंट टास्क को रोकना या छोड़ना। आगे तो एप्लीकेशन पर कार्य कर रहे हो आप, किसी एप्लीकेशन पर कार्य कर रहे हो और आपकी जो आम शॉर्टकट की काम आती है उनकी बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस सी चयनित आइटम को कॉपी करना। कंट्रोल प्लस एक्स चयनित आइटम को कट करना। कंट्रोल प्लस वी चयनित आइटम को पेस्ट करना। कंट्रोल प्लस जेड ए क्रिया को अंडू करना। अल्ट प्लस टैब खुली हुई एप्लीकेशन के बीच स्विच करना। अल्ट प्लस एफ 4 एक्टिव आइटम को बंद करना या एक्टिव एप्लीकेशन से बाहर आना। विंडो प्लस लोगो की विंडो लोगो की ये जो आपको लोगो दिख रहा है ये बटन और एल दबाना। अपने पीसी को लॉक करना या अकाउंट्स के बीच स्विच करना। आगे विंडो लोगो की प्लस डी दबाना। डेस्कटॉप को छिपाना। आगे फाइल एक्सप्लोरर हेतु कीबोर्ड शॉर्ट की फाइल एक्सप्लोरर हेतु कौन कौन सी शॉर्टकट की काम आती है उसकी बात कर लेते हैं हम तो कंट्रोल प्लस डी एड्रेस बार का चयन करना। कंट्रोल प्लस ई सर्च बार को चयन करना। कंट्रोल प्लस एफ तो सर्च बॉक्स का चयन करना। कंट्रोल प्लस एन एक नई विंडो खोलना। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करंट विंडो को बंद करना। कंट्रोल प्लस माउस स्क्रॉल व्हील फाइल और फोल्डर आइकन की साइज और एम्पियर को बदलना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई चयनित फोल्डर के ऊपर के सभी फोल्डर को डिस्प्ले करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन एक नया फोल्डर बनाना। नंबर लॉक प्लस ये चिन्ह आपके दिख रहा है ये चिन्ह आपको दबाना है नंबर लॉक के साथ तो चयनित फोल्डर के अंदर के सभी फोल्डर को डिस्प्ले करना। नंबर लॉक प्लस प्लस का चिन्ह दबाना आपको तो चयनित फोल्डर के कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। नंबर लॉक प्लस माइनस का चिन्ह आपको साथ में दबाना है नंबर लॉक के तो चयनित फोल्डर को कॉल प्लेस करना। आगे अल्ट प्लस पी का उपयोग किस लिए करते हैं प्रीव्यू पेन को डिस्प्ले करने के लिए। अल्ट प्लस एंटर तो चयनित आइटम के लिए प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स को खोलना। अल्ट प्लस राइट एरो का उपयोग अगले फोल्डर को देखना। अल्ट प्लस अप एरो का उपयोग तो फोल्डर के अंदर मौजूद फोल्डर को देखना। अल्ट प्लस लेफ्ट एरो का मतलब पीछे फोल्डर को देखना। बैक स्पेस का मतलब क्या होता है भाई बैक स्पेस शॉर्ट की का मतलब होता है पिछले फोल्डर को देखना। राइट एरो का उपयोग होता है पहले सब फोल्डर का चयन करना या करेंट चयनित फोल्डर को डिस्प्ले करना यदि वह कॉल एस्केप हुआ है तो। लेफ्ट एरो का यूज करते हैं फोल्डर के अंदर फोल्डर का चयन करना या करेंट चयनित फोल्डर को कॉल स्पेक करना यदि यह विस्तारित है तो। एंड का उपयोग एक्टिव विंडो की बॉटम को डिस्प्ले करना। होम का उपयोग एक्टिव विंडो की टॉप को डिस्प्ले करना। F11 का मतलब होता है एक्टिव विंडो को मिनिमाइज मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। F11 का यूज करते हैं उसके लिए। आगे माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए शॉर्टकट की काम आती है उनकी बात करते हैं तो कंट्रोल प्लस डी कर्सर साइट को फेवरेट या रीडिंग फर्स्ट में ऐड करना। कंट्रोल प्लस ई एड्रेस बार में सर्च क्यूरी को खोलना। कंट्रोल प्लस एफ पेज में फाइंड करना। कंट्रोल प्लस एच हिस्ट्री पेन को खोलना। कंट्रोल प्लस आई फेवरेट पेन को खोलना। कंट्रोल प्लस जे डाउनलोड पेन को खोलना। कंट्रोल प्लस के डुप्लीकेट टेप खोलना। कंट्रोल प्लस आर और F5 पेज को रिफ्रेश करना। कंट्रोल प्लस डी एक नई टेप को खोलना। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू करेंट टेप को बंद करना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी एक नई इन प्राइवेट ब्राउजिंग को खोलना।
आगे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आज रीडिंग व्यू में प्रवेश करना, आगे कंट्रोल प्लस 1 2 3 यानी आप 8 तक गिनती कंट्रोल के साथ दबाते हो तो क्या होता है, एक विशिष्ट टैब नंबर के लिए एक के लिए स्विच करना, कंट्रोल प्लस 9 अंतिम टैब के लिए स्विच करना, कंट्रोल प्लस प्लस का चिन्ह तो 25% जूम इन करना, कंट्रोल प्लस माइनस तो 25% जूम आउट करना, एस्केप वेब पेज को लोड करने हेतु रोकने के लिए कंट्रोल प्लस के का उपयोग, डुप्लीकेट टैब खोलना, कंट्रोल प्लस एल या एफ 4 या कंट्रोल प्लस डी एड्रेस बार का चयन करना, कंट्रोल प्लस एन एक नई विंडो को खोलना, कंट्रोल प्लस पी करंट पेज को प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस ओ जूम लेवल को रीसेट करने के लिए। तो दोस्तों मैंने आज आपको ये शॉर्टकट की बताई है, मैं आशा करता हूँ कि ये शॉर्टकट की आपके कंप्यूटर में बहुत काम आएगी, जब आप कंप्यूटर सीखोगे तो आपके बहुत ही ये काम आएगी। और तो जो आपका डाटा एंट्री और कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर का पेपर होने वाला है उसमें ये कंट्रोल की ये जो आपकी शॉर्टकट की है वो लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो आप इन प्रश्नों की मदद से 8 से 9% अटेंड आसानी से कर पाओगे। तो दोस्तों यदि आपको कोई शॉर्टकट की पता है जो मैंने आज इसमें नहीं बताई है तो कमेंट में वो मुझे ज़रूर बताना, और बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।